दिस वीडियो इज़ फ़ फॉर मिनाल तो असलम वेलकम टू माई एन अदर व्लाग हमेशा मेरी वीडियोज़ फूड बेस्ड होती है पर आज मेरी वीडियोज़ फूड बेस्ड नहीं है क्योंकि आप लोगों ने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर इतने मैसेजेस किए थे कि आप डेली व्लॉगिंग करें या फिर अपना मेकअप टूअर या रूम टूर दें तो हम जा रहे थे शादी पर तो शादी पर मेकअप सारा निकला हुआ था तो हमने कहा चलो आपको एक क्विक सा मेकअप टूअर देते अपना क्विक तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास ब्रांडेड ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं है अब जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा मेरे पापा चाइना में होते हैं तो मेरे पास आधा मेकअप या तो चाइना का है या तो यहाँ की लोकल मार्केट का इससे ज़्यादा मेकअप की मैं ब्रांड से ज़्यादा प्रोडक्ट पे ध्यान देती हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा है जिस प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा होता है हम ले लेते हैं हम ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये बीबी -बी क्रीम पर ये भी चाइना की है तो मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी की है क्या है ये ऐसे पंप में आती है ऊपर पफ है पर जो टूट चुका है हम इसके पम्प्स निकाल के यूज़ करते हैं ये शादियों के लिए इतनी बेस्ट है कि आपको सिर्फ़ एक लेयर इसकी लगानी है इसके बाद आपको वो जो पार्लर वाली सारी तीन चार लेयर्स लगा देते हैं ना आपको उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सिर्फ इसकी एक लेयर लगानी है और आपका फेस शादी वाले मेकअप के लिए बिल्कुल तैयार है और अगर आपने किसी कैजुअल रूटीन मेकअप करना है तो आप बस लाइट साइज को टैप टैप करें स्किन पर और फिर आपका लाइट मेकअप भी हो जाएगा उसके बाद आगे हमारा ये ब्रश सेट अब इसकी हालत पर बिल्कुल नहीं जाना आपने क्योंकि शादी में जो बुरा हाल होता है हमारे मेकअप का मस्कारा नहीं मिल रहा कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं मिल रहा कंट्रोल नहीं मिल रही तो सब एक दूसरे के ऊपर तो इस ब्रश सेट की हालत भी कुछ अजीब हो गई ये भी चाइना का है ये भी यहाँ का नहीं है इसलिए मैं जो जो चीज़ें यहाँ की होगी मैं बता दूँगी कि कहाँ से ली थी जो चाइना से ली थी वो मुझे नहीं पता उसके बाद ये हमारा ब्रश सेट है इसमें पता नहीं बीस के पच्चीस हैं ब्रशेस और आधे तो मुझे पता ही नहीं किस यूज़ के लिए है बस जो जो हमारे ब्रशन हमारे ब्रशेस ब्लशन के लिए कॉन्टोर ब्लेंडिंग ब्रश मैं इनमें से सिर्फ पांच ब्रशेस है जो यूज़ करती हूँ इसके अलावा बाकी सारे ब्रशेस पता नहीं किस काम यूज़ होते हैं पहली दफ़ा मैंने फूड से हट के कुछ ऐसी वीडियोस बनाना शुरू की है अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया ना तो हम नेक्स्ट सीरीज़ भी लेके आएंगे अपनी इस वीडियो में सिर्फ मेकअप है बाकी मेरे पास बेतहाशा ज्वेलरी है और भी बहुत कुछ है अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नहीं तो नहीं और मैं कह रही थी कि मेरे पास इतना मेकअप नहीं है तो फिर मैं क्या दिखाऊंगी अपनी वीडियोस में और जब मैं मेकअप की वीडियो बनाने बैठी हूँ वो वीडियो 50 मिनट पे गई हुई थी ये अभी सिर्फ एक पहला पार्ट है जिसको एडिट करके मैंने वीडियो को 30 मिनट की वीडियो पे लेके आई हूँ वो 10 10 मिनट्स करके आपके पास पार्ट आएगा उसके बाद ये है हमारे पास हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर ये बोब का कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी चाइना का है और ये इतना पसंद है मुझे इतना शदीद किस्म का पसंद है हम इसको पाँच छः साल से यूज़ करें हमारे घर में यही यूज़ होता है और इसकी हर डब्बी जो खाली होती है आती है खाली हो जाती है जब भी हमने कहीं बाहर जाना हो हम बीबी -बी क्रीम या फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं बस इससे स्किन को सेट कर लेते हैं और बस बाहर निकल जाते हैं अब आगे मेहंदी तो गुजर गई बरात तो के लिए मैं ये अपनी नई बोब की कॉम्पैक्ट पाउडर खोल रही हूँ अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए ना तो माफ कर देना ये मत कहना इसको ये नहीं कहते ये नहीं कहते हम अपने घर में जो कहते हैं बस आपको वही बता रही हूँ मेरी हर फाउंडेशन का हमारे घर में हम तीन लोग हैं मामा मैं और मेरी बहन तो हम लोग एक ही कलर, कलर की ना फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं तो हम सब में ना इसका भी जीरो टू नंबर है जो पहले बीबी क्रीम थी उसका भी जीरो टू नंबर था ये नंबर हमारे स्किन पर सबसे ज़्यादा सेट होता है ये न्यू वाली मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि जब न्यू आती कैसी होती है जो पुरानी वाली का तो हाल है वो तो हशर बस पूछ ही मत न्यू वाली इतनी प्यारी लग रही थी और इसके ऊपर बोब का स्टैम्प भी था खैर अब इसको मुझे बॉक्स में डाल के जल्दी जल्दी छुपाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये किसी के हाथ लगे ना फिर इसका हशर भी पुरानी वाली, वाली कॉम्पै की तरह हो जाएगा सबको अब हम पुरानी वाली में जो थोड़ा थोड़ा रह गया ना उसको वही यूज़ करने देंगे और ख़ुद हमने चुप करके ना ये नई वाली यूज़ करनी है ताकि नई पाउडर से सेटिंग अच्छी हो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स पे अब पहले मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर्स लोकल से थे मुझे नहीं पता था कि कौन से यूज़ करते हैं कौन से नहीं लोकल मार्केट से हम ले आए थे पर वो बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं टूट जाते हैं या फिर इतने अच्छे नहीं होते उसके बाद हम ये लेके आए खुदा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर इसके ऊपर खुदा नहीं लिखा हुआ हुक्सिया पता नहीं क्या लिखा हुआ बस हमें अंकल ने दिया तो हम उठा के ले आए अब हम तीन हम तीनों लोगों ने एक एक अपना ब्यूटी ब्लेंडर बांट लिया है कि अब सब ने अपने अपने से मेकअप करना है किसी ने किसी का यूज़ नहीं करना हमारा शादी वाला आम रूटीन वाला सारा मेकअप एक ही जगह पे होता है तो जिसने जब हमने कहीं बाहर जाना हो शादी पे जाना हो तो वो एक ही जगह से मेकअप यूज़ करते हैं ये नहीं कि सबने अपना अलग अलग रखा हुआ है कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी अलग छुपा के रखी हुई है वो लोगों को नहीं पता पर अगर हम इस वीडियो में दिखाएंगे आगे जाके तो उनको भी पता चल जाएगा पर कोई बात नहीं पता चल जाए उसके बाद आ जाती है हमारी हुदा ब्यूटी की मैट पैलेट इसके आई इतने प्यारे हैं जब से ये पैलेट आई है ना ये भी चाइना से आई है अच्छा जो पीछे ब्यूटी ब्लेंडर्स थे वो पाकिस्तान के थे बाकी अब तक सब कुछ चाइना का सामान चल रहा है ये इतने प्यारे मैट कलर्स है कि मैं बस यही यूज़ करती हूँ उसके बाद आ जाते हैं ये भी एक और पैलेट है इसके ऊपर भी चाइनीज लिखी हुई है मुझे भी नहीं पता ये किस ब्रांड की है और ये जब आई थी तो आते साथ ही गिरते सात इसका पहला ब्लश तो टूट गया उसके बाद अब तक हम इसको ऐसे ही चला रहे हैं इसके शेड्स भी बहुत प्यारे हैं पर इसको इतना यूज़ नहीं करते आप देख सकते हो सब शेड्स न्यू के न्यू ही पड़े हैं अब हम इसको अपने हाथों पर टेस्ट करके दिखाते हैं शेड्स बहुत प्यारे हैं पर पता नहीं हमने आज तक तो क्यों नहीं यूज़ किए मैं अपनी आईज़ पर सबसे पहले खुदा का मैट यूज़ करती हूँ और ग्लिटर के लिए हमने जो अपने ग्लिटर पैलेट है ना उसमें से ही ग्लिटर्स यूज़ करते हैं इसको मैं हाथ नहीं लगाती इसके बाद हम भूल ही गए कि अपने मैट के पैलेट में से भी आपको शेड्स चेक कराने थे अब मुझे समझ नहीं आ रही है मेकअप के रिव्यू में क्या क्या बोलते हैं तो अब मेरे जुबान में जो जो आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ और आप लोग की मेहरबानी आप लोग बस सुनते जाए इसके बाद आ जाती है हमारी एक ग्लिटर आई फाइव कलर आई ये भी चाइना की है इसका भी मुझे ब्रांड नहीं पता इसका इतनी अच्छी है अच्छा मेरे मम्मा तो यही कलर चूज़ करती है माय मम्मा तो अब उनको तो हम तो एक एक शेड ना पहले आउटर कॉर्नर फिर ग्रीस लाइन फिर पता नहीं क्या क्या मेकअप करते हैं मम्मा को आया एक पिंक शेड पकड़ो पूरी आँख पे लगाओ तो शादी पे चले जाओ ये जो लास्ट वाला पिंक शेड है ना ये जमी में कर रही हूं। मेरी मम्मा ने बस हर शादी में यही लगाना अच्छा है अब जाके मैंने अपनी मम्मा का मेकअप करना शुरू किया तो मैं थोड़ी सी उनकी ग्रीस लाइन बनाती हूँ थोड़ा आई बनाती हूँ वरना मम्मा तो बस एक शेड लगाया और शादी भी चलो इसके बाद आ जाती है हमारे पास वेल वेलकॉन्टेक्ट की आई शेडो पैलेट ये ये भी इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ इतनी मैंने यूज़ नहीं की हुई अभी न्यू न्यू ताज़ा ताज़ा वाला मेकअप है इसकी एक एक पैलेट हमने निकाली हुई है जो दूसरी दूसरी पैलेट है वो अभी तक संभाल के ही रखी हुई है कि अभी इतने सारे आई शेडोज परे हुए जब ये थोड़े से क्रैक हो जाए या फिर हमें उन शेड्स की जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम निकालेंगे और ये मेकअप रिव्यू में सबसे बड़ी गलत बात हर पैलेट में शीशा है और मुझे इतना वीडियो एडिटिंग में तंग किया है वीडियो को मैंने चार दफ़ा देखी है कि किसी मिरर में आते तो नहीं कहीं कहीं तो मैंने इतना कवर भी किया पता नहीं क्या हुआ खैर इस आई शेडो पैलेट में मुझे जाके पता चला कि जी इन पैलेट्स में शीशा भी है इससे पहले तक मैं सोई हुई थी फिर उसके बाद मैंने आराम आराम से शीशे खोले ताकि देख सकते हैं मैंने आराम से शीशा खोला कि सिर्फ आई शेडोज नज़र आए पीछे को कोई बैकग्राउंड या फिर मैं नज़र आऊँ इसके कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं हाथ से ज़्यादा प्यारे हैं ये हमारी ग्लिटर पैलेट है मैं आउटर कलर्स के बाद बस ग्लिटर्स में ये फिल कर लेती हूँ इसके बाद हमारे पास हार्ड ग्लिटर्स भी हैं वो हम बाद में दिखाएंगे अभी तक सारा चाइना का सामान चल रहा है दिखाने में दिखाने में मेकअप हमारा इतना सा था और बोलने में मुझे लग रहा है कि हमारे पास मेकअप की दुकान है और ये आ गया अगला ये भी चाइना का है इसके ऊपर चाइनीज़ भी लिखी हुई है अब पीछे कोई ब्रांडिंग नेम भी नहीं है चाइनीज़ में पढ़ नहीं सकती ये भी बहुत अच्छा है इसका जो नीचे ब्राउन शेड है ना सबसे फर्स्ट पे जो ब्राउन शेड है वो आई के लिए बहुत अच्छा है आई शेड पर मैं आई के लिए यूज़ करती हूँ अब मेकअप हमारा है तो हम उसको जिस मर्जी चीज़ के लिए यूज़ करें अब ऐसा तो सब करते ही है कि मेकअप का पर्पज़ कुछ और होता है पर हम यूज़ किसी और चीज़ के लिए कर लेते हैं ख़ैर इसके शेड्स भी बहुत प्यारे हैं मेरा कैमरे ने मुझे इतना तंग किया कभी मैं जूम इन करी कभी जूम आउट करी कभी पीछे बैकग्राउंड में जूम करना पड़ रहा और कभी आई शेडोज दिखाने में जूम इतना तंग किया है उसके बाद ही हमारे पास आई शेडो अब मुझे ये नहीं पता कि ये यहाँ के ये यह की है ये इतनी पुरानी है इतनी पुरानी नहीं है दो साल हो गए पर अब मुझे नहीं पता मैंने कभी यूज़ नहीं की है पर अब मुझे निकाल के पता चला है इसमें इतने अच्छे ग्लिटर शेड्स हैं मैंने तो कभी इसको निकाल के नहीं देखा ये हमारे मेकअप बॉक्स में ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है बंद की बंद कोई हाथ भी लगाने की मत नहीं करता पर अब अभी बरात वरी आएगा उसमें हम यूज़ करेंगे इसको मैंने आज से पहले इसको क्यों नहीं देखा अच्छा जब ये आई थी तब मैं हम मैं सबको बताती होती थी देखो मेरे पापा लेके आए है इतनी प्यारी इतनी प्यारी इतनी प्यारी और उसके बाद ये इतनी रुल्ली है इतने लोगों ने इसको खरीदा है इतने लोगों के पास है और अब तो मार्केट में भी हर जगह फैली हुई है अच्छा मेकअप करना किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना अभी तो जब हम छोटे थे मेरे इंटर तक तो हम मेकअप हमारी आप ही करती थी और वो पता क्या करती थी एक शेड पकड़ती थी पूरी आँख में लगा के थोड़ी सी बेस पाउडर लिपस्टिक लगा के दो जी चलो शादी में चलो उस मेरी बहन की शादी थी आजकल लड़कियों की बहनों की शादियाँ देख लो इतनी धूम ध्रक और इतना तैयार होती है मेरी बहन की शादी थी उसने अपनी मेहंदी पे हमें मेकअप करके पार्लर गई और सिर्फ ऑरेंज आई शेडो लगा के तो लिपस्टिक लगा के हमें पार्लर चली गई उसके बाद आते हैं मेरा हाईलाइटर है। ये हाईलाइटर मुझे इतना पसंद है ये कौन सा ब्रांड का है मुझे याद नहीं है यहाँ की लोकल शॉप से लिया हुआ है उसके बाद आ जाती है ये आईब्रो पैलेट ये आईब्रो पैलेट में से दो शेड तो वैसे के वैसे पड़े ये जो लास्ट वाला शेड है जो खत्म होने को है इसको मैंने अपने आईब्रो पे रौंद मारा है इतना यूज़ किया इतना यूज़ किया है उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे ग्लिटर्स कभी बहुत ज़्यादा शिमरी आया आई उसको बनानी हो तो बस ये ग्लिटर्स का आपने इस्तेमाल करना है और मेरा पार्ट वन ख़त्म होने को बाद मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि चलो पार्ट वन तो खत्म हुआ दस मिनट बोलते बोलते मुझे हो गया इसके बाद जाके मेरे पानी पीना है आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें वीडियो को लाइक करें अगर मेरे इन इनकटैक्ट को आपने पसंद किया तो हम ऐसी वीडियोज़ और भी लेके आएंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़